में जेल से रिहा होने के बाद अमित जोगी ने भूपेश बघेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार पर आरोप लगाया है कि गौठान में अब तक 3,000 गायों की मौत हो गई है। सरकार को इस गौठान घोटाले पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और गौरक्षा समिति बनाकर पूरे प्रदेश के गौठानों की रिपोर्ट तैयार करानी चाहिए। वहीं अमित जोगी ने कांग्रेस से जवाब मांगा है, साथ ही अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए अमित ने कहा कि ये कोर्ट का अपमान है, इसके खिलाफ मामला चलेगा। मेरी माँ एक माँ के रूप में मुख्यमंत्री जी से मिलने गई, मुख्यमंत्री जी से क्या बात हुई उन्होंने खुद आपके समक्ष रख दिया। और बड़े दुख की बात है कि एक माँ होने के नाते वो मुख्यमंत्री जी से मिली, अपने बेटी की जान की गुहार लगाई और उसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। प्रदेश में